हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वो हम लोग शुरू करें, हमारा न्यू टॉपिक है अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। यह सत्य कथन है। देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अब हम लोग स्थल और नदियों के संगम के बारे में पढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का होता है संगम। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का, देव प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथ नदियों का संगम होता है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देव प्रयाग में। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। और बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी है रामगंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदर पूंछ चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है वह है सोन। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे।